नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस टिप्स के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में ओडिशा राज्य के रसगुल्ले को विशिष्ट भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दे दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीआई टैग होते क्या हैं, ये जीआई टैग क्यों दिए जाते हैं तथा अब तक कौन कौन से मुख्य भारतीय उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे जीआई टैग से रिलेटेड। इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जीआई टैग से रिलेटेड और 2019 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं जीआई टैग से रिलेटेड है इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक होते क्या हैं। तो जीआई टैग उस उत्पाद या वस्तु को दिया जाता है जो विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है अथवा विशिष्ट स्थान पे पाई जाती है। मुख्यतः दोस्तों, ये जो जीआई टैग है किसी ऐसे उत्पाद या प्रोडक्ट को दिया जाता है जो केवल खास एरिया यानी खास भौगोलिक एरिया में ही पाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, किसी विशेष क्षेत्र में कोई ऐसा प्रोडक्ट जो केवल उसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है तथा उस विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसी को जीआई टैग दिया जाता है। मुख्यतः यह जो जीआई टैग है कृषि उत्पादों को, भौगोलिक वस्तु, प्राकृतिक वस्तुओं को और हस्तशिल्प को उनकी गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। मुख्यतः यह जो जीआई टैग पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, यह 10 वर्षों के लिए होता है, मान्य होता है। इसके बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये जो जीआई टैग है इसका एक एक्ट है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्ट है 1999 का। इसको भारत में लागू किया गया सर्वप्रथम बार कब, तो 2003 में इस जीआई टैग को प्रभावी बनाया गया हमारे प्यारे देश भारत में। यानी 2003 से जीआई टैग हमारे देश में दिया जा रहा है विभिन्न प्रकार के उत्पादों को। इससे रिलेटेड एक्ट क्या है WTO का, तो वर्ष 1999 का एक एक्ट है WTO का। यह जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग से रिलेटेड है तथा यह जो एक्ट है हमारे देश में 2003 में लागू हुआ था तथा 2003 से ही हमारे देश में विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग दिया जा रहा है। तो आई होप आप जीआई टैग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ के देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे 2019 के मुख्य उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पिक्चर, आप इसे देख लीजिए। यहाँ पे मैंने 2017 से 18 के बीच में जो मुख्य इम्पॉर्टेंट जीआई टैग जिनको दिया गया कुछ उत्पाद हैं जो पूछे जा सकते हैं, आप इन्हें भी एक नज़र देख लीजिए। जैसे बंगाना पल्ले मैंगो जो आंध्र प्रदेश का ये आम है, इसको दिया गया है जीआई टैग। उसके बाद तुला पांजी राइस जो कि वेस्ट बंगाल का राइस है, इसको जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद तिरुपति के लड्डू को जीआई टैग मिला है। उसके बाद दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला है। दार्जिलिंग की चाय से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, भारत का यह पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय यह पश्चिम बंगाल में मिलती है। उसके बाद कांगड़ा की पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है। उसके बाद नागपुर के संतरे को जीआई टैग मिल चुका है। उसके बाद कश्मीर पश्मीना, यह एक प्रकार की साल है, इसको जीआई टैग दिया गया है। यह कश्मीर में पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उत्पाद हैं जो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो एक नज़र इन पे भी डाल लीजिएगा। इसके बाद अगला है, यहाँ पे आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट 2019 व 18 के उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। बात सबसे पहले करें हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो इसके दो उत्पाद हैं जिनको अब तक जीआई टैग दिया गया है। तो पहला है हिमाचली काला जीरा, यह हिमाचल प्रदेश का कृषि उत्पाद है, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद हिमाचली चुल्ली तेल, यह हिमाचल प्रदेश का एक उत्पाद है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक उत्पाद है चुनार बलुआ पत्थर, यह एक प्राकृतिक उत्पाद है, इसको जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद एक बोका चौल है, बोका चौल यह असम का एक कृषि उत्पाद है, इसको जीआई टैग दे दिया गया है। इसके बाद शाही लीची, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो शाही लीची एक कृषि उत्पाद है बिहार का, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद सिलाव खाजा, इससे यह बिहार का एक प्रोडक्ट है, खाद्य प्रोडक्ट है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद हाल ही में रिसेंट में 2019 में कंधामल हल्दी, यह उड़ीसा का एक कृषि उत्पाद है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों, इन जीआई टैग से रिलेटेड लास्ट में मैं
आपके सामने इम्पॉर्टेंट MCQs प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है GI टैग से रिलेटेड वह पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, इससे रिलेटेड हम लास्ट में MCQs भी करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके बाद अगला है अल्फांसो आम। तो ये अल्फांसो आम एक कृषि उत्पाद है महाराष्ट्र का, इसको GI टैग दिया गया है। इसके बाद सांगली हल्दी, यह महाराष्ट्र का कृषि उत्पाद है, इसको भी GI टैग दिया गया है। इसके बाद तीन कॉफ़ी की किस्में हैं, इनको जो अलग अलग राज्यों में पाई जाती हैं, इनको भी GI टैग दिया गया है। तो सबसे पहला है कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, यह कर्नाटक का कृषि उत्पाद है, इसको GI टैग दिया गया है। इसके बाद वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, यह केरल का कृषि उत्पाद है, इसको GI टैग दिया गया है। उसके बाद तीसरा जो कॉफ़ी है चीक मंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, यह कर्नाटक का अगेन कृषि उत्पाद है, तो इसको GI टैग दिया गया है। तो इस तरह कर्नाटक के दो कॉफ़ी हैं जिनको GI टैग दिया गया है, पहला हो गया कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी और दूसरा हो गया चीक मंगलूर अरेबिका कॉफ़ी। ये दो कॉफ़ी के उत्पाद हैं कर्नाटक के जिनको अब तक GI टैग दिया गया है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट है, एक और इम्पॉर्टेंट कर्नाटक की कॉफ़ी है जिसको GI टैग दिया गया है, बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी। तो ये तीन कर्नाटक के कॉफ़ी होंगे दोस्तों जिनको अब तक GI टैग दिया गया है। तो तीसरी है बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी, यह कृषि उत्पाद है कर्नाटक का, इसको भी GI टैग दिया गया है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट हमारा है सिरसी सुपारी। तो ये सिरसी सुपारी जो है यह कर्नाटक का कृषि उत्पाद है, इसको GI टैग दिया गया है। इसके बाद इरोड हल्दी, इरोड हल्दी दोस्तों कहाँ का उत्पाद है, तो यह तमिलनाडु का एक कृषि उत्पाद है, इसको भी GI टैग दिया गया है। इसके बाद मरयूर गुड़, यह मरयूर गुड़ यह कृषि उत्पाद है, हस्त यह हाथ से पूरा बनाया जाता है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता इस गुड़ में, इसलिए इसको जो कृषि उत्पाद है केरल का, इसको दिया गया है भौगोलिक संकेतक टैग। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मरयूर गुड़ केरल का कृषि उत्पाद है। इसके बाद अगला है थिरुवनम सिल्क साड़ी, यह तमिलनाडु का हस्तशिल्प उत्पाद है, इसको GI टैग दिया गया है। इसके बाद राजकोट पटोला, यह गुजरात का हस्तशिल्प उत्पाद है, इसको GI टैग दिया गया है। इसके बाद गुजरात का एक अन्य हस्तशिल्प उत्पाद है पेतपुर प्रिंटिंग ब्लॉक्स, क्या है, पेतपुर प्रिंटिंग ब्लॉक्स, यह गुजरात का हस्तशिल्प है, इसको दिया गया है रिसेंट में GI टैग। इसके बाद कुछ अन्य इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं, कड़कनाथ मुर्गा, यह खाद्य पदार्थ है मध्य प्रदेश का, इसको GI टैग दिया गया है। इसके बाद जीरा फूल है, यह छत्तीसगढ़ का कृषि उत्पाद है, जिसको GI टैग दिया गया है। इसके बाद कोल्हापुरी चप्पल, यह कर्नाटक व मध्य प्रदेश का सम्मिलित रूप से उत्पाद है, जिसको GI टैग दिया गया है। इसके बाद रिसेंट में हाल ही में 29 जुलाई के दिन रसगुल्ले को, यानी एक ओडिशा का रसगुल्ला है, इसको भी GI टैग दे दिया गया है। तब इसे भी याद रखिएगा, ओडिशा के रसगुल्ले को 29 जुलाई के दिन GI टैग दिया गया। तथा रिसेंट में 2 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को भी GI टैग दे दिया गया है। तो ये दोनों आपके दिमाग में होने चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट GI टैग से रिलेटेड। आइए आगे वीडियो में बढ़ के देख लेते हैं इंपॉर्टेंट MCQs जो GI टैग से रिलेटेड हैं। तो आप आइए आगे बढ़ के देख लेते हैं इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट MCQs को आइए शुरू करते हैं जो GI टैग से रिलेटेड हैं। सबसे पहले MCQs की शुरुआत करने से पहले ये तीन फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। GI लोगो और स्लोगन जो भारत के लिए उपयोग में लाया जाता है, भारत के लिए जो GI लोगो और स्लोगन उपयोग में लाया जाता है, उसको बोलते हैं अतुल्य भारत की निधि। तो GI टैग जो दिया जाता है उसका जो लोगो होता है, स्लोगन होता है, उसका नाम है अतुल्य भारत की निधि। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद रखिएगा। तथा मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में, इससे GI टैग से रिलेटेड एक एक्ट भी है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो इसको लागू किया गया है हमारे भारत में 15 सितंबर वर्ष 2003 को। तो पहली बार हमारे देश में इसको लागू किया गया था 15 सितंबर वर्ष 2003 को, तब इसे भी याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये MCQs की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट MCQs हमारा है कि भारत का पहला भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग किस उत्पाद को दिया गया। तो आपके पास 5 सेकेंड का समय है, आप इसका आंसर बताएं कि भारत का पहला जो GI टैग है वो किसको दिया गया। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दार्जिलिंग की चाय को
GI टैग दिया गया था पहली बार, यानी इसका ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ये दार्जिलिंग की चाय दोस्तों कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में पाई जाती है ये दार्जिलिंग की चाय। तो आप इसे भी याद रखिएगा, दार्जिलिंग की चाय वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इसको 2004-05 के मध्य इसको दिया गया था भौगोलिक संकेतक, जो कि भारत का पहला उत्पाद बन गया था भौगोलिक संकेत पाने वाला। तो आप इसे याद रखिएगा दार्जिलिंग की चाय। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अल्फांसो आम को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य में मिलता है, तो इसका आंसर बताएं आप। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, अल्फांसो आम जो है यह महाराष्ट्र में पाया जाने वाला एक मुख्य खाद्य उत्पाद है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य के उत्पाद इरोड हल्दी को GI टैग दिया गया है, जल्दी से इसका आंसर बताएं आप। यह उत्पाद है तमिलनाडु का, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। यह तमिलनाडु के इरोड जिले में पाया जाता है, कहाँ, तमिलनाडु के इरोड जिले में पाया जाता है इरोड हल्दी, जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के उत्पाद कंधामल हल्दी को GI टैग दिया गया, आंसर बताएं इसका जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा राज्य का उत्पाद है कंधामल हल्दी, जिसको रिसेंट में GI टैग दिया गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट राज्य हैं जिनके उत्पाद हल्दी है, उनको GI टैग दिया गया है, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं तीनों लिस्ट को। इसके बाद अगला है सांगली हल्दी, तो सांगली हल्दी को GI टैग दिया गया, तो यह किस राज्य का उत्पाद है, इसे भी आप बताएं जल्दी से। तो यह महाराष्ट्र राज्य का उत्पाद है जिसको रिसेंट में GI टैग दिया गया, सांगली हल्दी। तो आप इसे याद रखिएगा, तीन प्रकार की हल्दी हैं जिनको अब तक GI टैग मिल चुका है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक नज़र में, इरोड हल्दी तमिलनाडु का उत्पाद है जिसको GI टैग दिया गया है, उसके बाद कंधामल हल्दी जो कि ओडिशा राज्य का उत्पाद है इसको GI टैग दिया गया है, इसके बाद सांगली हल्दी जो कि महाराष्ट्र राज्य का उत्पाद है इसको GI टैग दिया गया। तो ये तीनों हल्दी आपके दिमाग में होने चाहिए, इनसे डायरेक्टली प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में सिरसी सुपारी को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य का उत्पाद है, जल्दी से बताएं इसका आंसर आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य का उत्पाद है सिरसी सुपारी, जिसको रिसेंट में GI टैग दिया गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मरयूर गुड़ को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य का उत्पाद है, इसका आंसर बताएं आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य, केरल राज्य का यह उत्पाद है मरयूर गुड़, जिसको रिसेंट में GI टैग दिया गया, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कड़कनाथ मुर्गे को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य का खाद्य उत्पाद है। तो कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश राज्य का खाद्य उत्पाद है जिसको रिसेंट में GI टैग दिया गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों रिसेंट का GI टैग से रिलेटेड, इनसे एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बार बार रिपीट करके देखिएगा, इनसे एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, तो इस पर एक लाइक भी आप कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर भी कीजिएगा, तथा अगर आप पहली बार माय चैनल पर आते हैं तो माय चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के उत्पाद अरेबिका कॉफ़ी को GI टैग दिया गया है, तो इसका आंसर बताएं आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का उत्पाद है अरेबिका कॉफ़ी, इसको रिसेंट में GI टैग दिया गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के सिलाव खाजा को GI टैग दिया गया है, इसका आंसर बताएं आप। तो रिसेंट में बिहार राज्य का उत्पाद है सिलाव खाजा, जिसको रिसेंट में GI टैग दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किस राज्य के जरदालू आम को GI टैग दिया गया है, तो इसका आंसर बताएं आप। तो बिहार का यह उत्पाद है जरदालू आम, जिसको रिसेंट में GI टैग दिया गया था। एक आम के बारे में मैंने आपको और बताया था अल्फांसो आम, किसके बारे में,
अल्फांसो आम जो कि महाराष्ट्र का उत्पाद है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो दोनों आपके दिमाग में होने चाहिए। दो आम है, एक जरदालू आम जो कि बिहार का उत्पाद है इसको मिला है, और एक अल्फांसो आम है जो कि महाराष्ट्र का उत्पाद है इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट रखी है बिहार के प्रमुख जीआई टैग उत्पाद जिनको अब तक जीआई टैग दिया गया है, इन्हें आप दिमाग पे रखिएगा, इनसे डायरेक्टली प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला हो गया शाही लीची को भी मिला है जीआई टैग, उसके बाद जर्दालू आम को जीआई टैग, उसके बाद सिलाव खाजा, उसके बाद कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है, उसके बाद मगही पान। तो ये कुछ पाँच मुख्य उत्पाद हैं बिहार के जिनको अब तक जीआई टैग दिया गया है, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मगही पान, कतरनी चावल, सिलाव खाजा, जलदालू आम और शाही लीची, तो इनके बारे में आपके दिमाग में होना चाहिए, इनसे डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिएगा ज़रूर, इस वीडियो पे एक लाइक भी कीजिएगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।